हेलो हेलो यस हेलो, सर, यस सर, हाजर यस सर, हेलो, यस सर, बोलिए। अच्छा लिंक शेयर कर दो तो ग्रुप में। तुमको सर, पहली बार क्रॉस कर रही हो काजी? नहीं सर, कल से कर रहा था। एक्चुअली मेरी बड़ी मम्मी गांव पर की एक्सपायर हो गई थी और कोरोना वगैरह मेरे कॉलोनी में ज्यादा वगैरह था, नहीं, इस बार तो का इस समझ नहीं वजह आ से रहा, कोरोना का तो क्या मेरे मतलब? अगल बगल में कोरोना जिनको हुआ था, इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो रिचार्ज वगैरह कैसे करवाते सर फोन में? तुम हमसे बोल रहे हो कि हम करा दिए होते, हम कर दिए यहाँ से। अरे सर, अभी तो हम जल्दी 3 दिन हुआ रिचार्ज अभी करवाए, तो कल से ज्वाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी सर में तो फोन बैलेंस ही नहीं था, तो किसी के पास कॉल भी नहीं कर सकते थे। सेमेस्टर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा। चलो यस लिंक शेयर सर, कर दो, लिंक शेयर कर दो। अमन अमन, गुड। कर दिए हैं सर। कहाँ से बोल हेलो, सी है, सी है, सी है।
अभी इतना है काज। हेलो हाँ सर, इतना है भैया, 5 लड़के 6 लड़के। सर लिंक भेजे हैं पर बहुत कम लोग ऑनलाइन आए हैं। भेज आएंगे आएंगे सर, रोज आते हैं सब 25 26। लिंक भेज दिए हैं सर, अभी सब ऑनलाइन थे नेक्स्ट क्लास में। अभी थे ना, कितने थे? हाँ सर 25 या 26 थे। ठीक हाँ उतना होंगे, अभी इसमें है टाइम लेते हैं सर। चलो हेडी डालो, हेडी डालो, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी पढ़ाना है, दो हेडी आज खत्म करना है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की व्याख्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की व्याख्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की व्याख्या उसमें पहला देखो, ये पहला डालो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का व्याख्या हम दो तरीके से करेंगे। पहले देखो, कोई भी काम हुआ है, आज हम फैराडे लॉ पढ़ लेंगे, अभी तुरंत तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पूरा लिखवाएंगे नहीं, बस समझा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ आज खत्म करना है। इंडक्शन, ये इंडक्शन जो चैप्टर है बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम हम ए मैग्नेटिक का नाम लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है पहले बता चुके हैं एक बार, ठीक है। अब बात ये है इंडक्शन का प्रोसेस क्या है, इंडक्शन इंडक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि एक मैग्नेट है, एक रॉड को लेकर आए, इसके संपर्क में ले गए, ये भी चुंबक बन गया, इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो, इंडक्शन कहते हैं। समझ रहे हो अंकिता? जी सर। पहला क्लास है ना, तुम समझी। पहले इंडक्शन का मतलब समझो क्या है। इंडक्शन का मतलब कि यहाँ पे एक मैग्नेट था, एक रॉड को ले गए, कुछ इतनी इसको छोड़ दिए, संगत का असर पड़ गया, ये भी चुंबक बन गया, ये भी लगा सबको चिपकने, पहले तो यही चिपक रहा था, अब ये भी चिपकने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच इंडक्शन हो गया। अब इसी को इंडक्शन आगे हो गया, जब इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, तब तुमको पता चलेगा कि सेल्फ इंडक्शन कब होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा। म्यूचुअल का मतलब होता है इंटरनेट, यानी कि दो लोगों के बीच में। सेल्फ का मतलब होता है अकेले, जब अकेले कोई इफेक्ट होता है तो सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जब दो लोगों के बीच में होता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये सब चीजें आगे आएंगी। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या, जब कोई भी लिखा होगा किताब, कोई साइंटिस्ट जब हमको बताया कूलम्स लॉ, तो कूलम्ब ने दिया, ओम्स लॉ ओम ने दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फैराडे ना दिया, लेकिन इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ ना, बिना एक्सपेरिमेंट को ये लॉ नहीं दे सकते। हम अगर कोई लॉ दे रहे हैं, अमल लॉ देना है हमको, हमको क्या करना होगा, हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये प्रूफ करके बताना होगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तब ना तुम मानोगे कि हाँ ये है, ये अमल लॉ है। नहीं अगर हम बता पाए, नहीं हम प्रूफ कर पाए, तो वहीं पे हमारा लॉ फेल कर जाएगा और हमारा नाम कभी नहीं आएगा। तो आज सबसे पहले जानना होगा कि हुआ क्या। अब देखो ये फिगर में देखो क्या क्या हुआ है। फिगर बनाओ पहले, सब लोग फिगर बनाओ, हेडिंग डालो एक्सप्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें पहला डाल के ये हेडिंग बनाओ, पहला डाल के हेडिंग ये लिखो, ये बनाओ। चार कंडीशन है, चारों वाले ए बी सी फिगर ए। बन गया जी, अमन चार दो पांच। हाँ तो बना जल्दी बना जल्दी बना।
सर बन गया अब चलो देखो समझो समझो इसको तभी जल्दी हो पाएगा और तभी इंडक्शन खत्म हो पाएगा पढ़ाने का पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और इससे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू क्या मजा है उससे रसगुल्ला होता है ना रसगुल्ला एकदम समझ लो रसगुल्ला खिलाना है हमको क्या करना है रसगुल्ले को उठा उठा के हम बना के रखे हैं बस उसको तुमको खिलाना है खिलाने के तैयार रहो खाने के लिए तैयार रहो वो हम इंडक्शन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं समझ लो जो तुमको रसगुल्ला बांटना है सोच रहे हैं कब बांटे ठीक है ना तो इंडक्शन खत्म कर लेते हैं तब बांटते हैं वही एसी इंडक्शन एसी जो पढ़ाएंगे बड़ा मजा सब मजेदार चैप्टर है वही से क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा चलो इसको देखो क्या होगा इसको देखो क्या होगा देखो पहला एक कंडीशन हम लेते हैं और एक कंडीशन लेने के बाद हम चीजों को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या हुआ क्या हुआ 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 क्या हो रहा है ये नहीं डिसाइड करना डिसाइड को ये करना होगा कि भैया क्या हुआ होगा पास्ट में क्या हुआ होगा ये डिसाइड करना है देखो हुआ क्या पहले क्या हुआ एक सबसे पहली बात कि गैल्वेनोमीटर है भैया एक मेजरिंग डिवाइस ये क्या है ये कुछ नहीं है ये एक वायर अभी हमको डायरेक्शन नहीं पता है अभी हमको डायरेक्शन नहीं पता है जब हम डायरेक्शन की जान लेते हैं तो पता है हमने एक वायर को लिया और उसका एक कुंडली बना हमने एक वायर लिया और उसका एक कुंडली बना क्या नाम है कुंडली कुंडली किसे कहते हैं वाइंडिंग को कहते हैं वाइंडिंग का मतलब समझो कि हर जगह वाइंडिंग किया जाता है ताकि फील्ड बन सके हमने तुमको समझाया है कि फील्ड को स्ट्रांग करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को करी बनाना समझा नहीं हम सर सुन रहे ना काजल तुम सुन रहे हो हाँ सर चलो सबको बात सुनाई दे रहा लेक्चर को ध्यान से समझा करो यही लेक्चर तुम्हारे दिमाग में है और यही जाके देखो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं अभी कला पढ़ा रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक लाइन नजदीक नजदीक रहेंगी उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा तुमको कला बताए हैं तो जब ये बताओ अगर एक लाइन एक वायर एक करंट ऐसे जाने तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी कि यहाँ चार लाइन है चार लाइन में करंट जा रही है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी बताओ बताओ कौन बताए बताओ जी कार्य तुम बताओ अमन चलो तुम बताओ अमन अमन स्ट्रॉन्ग क्योंकि भैया देखो देखो होगा क्या सपोज करते हैं ये करंट था ये दिखा लेते मान लेते हैं ये एक करंट था एक वायर तो एक वायर में अगर करंट जा रहे थे सपोज करो कि मैंने ये फील्ड बना इसलिए वो बना तीन केवल या कुछ के तीन है तीन लेवल पर मीटर स्क्वायर तीन लेवल पर मीटर स्क्वायर बहुत ही कम है लेकिन अगर मान लो यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं तो देखो वो क्या हम लोग इसको दिख नहीं रहा वो मेरे लिए ऐसा दिख नहीं रहा इतने संबंध इसमें हाँ यहाँ की बात मान लो मैं एक लाइन में जा रहा हूँ इससे तो भैया हम 50 वायर 50 सेकंड से कनेक्शन नहीं ले सकते हम 50 वायर को 50 सेकंड से कनेक्शन नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे एक का वायर को घुमा 50 लोग अगर यहाँ से करंट चल रही है यहाँ करंट पहुंचे तो यहाँ करंट तक दिख रहा है यही करंट यहाँ आए यहाँ भी करंट दिख रहा है यही करंट यहाँ आए यहाँ भी करंट दिख रहा है यही करंट यहाँ आए यहाँ भी करंट दिख रहा है यही करंट यहाँ आए फिर यहाँ आए ये पूरा का पूरा इफेक्ट है इफेक्ट है इफेक्ट है भाई के पास ले आए इसको मैंने ये भाई कैसे ने खड़ा रहा गस 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 एकदम एकदम भर गए अब समझे कि नहीं कुंडली क्यों बनाया गया बताओ
राजू काजल कहाँ है? काजल काजल तुम समझी सर सर एक बार और समझा दो। अरे यार क्या समझाना है जी, तुम थोड़ा सा अभी पहला क्लास कर रही हो ना। अच्छा राजेश्वरी राज सॉरी आई है? राजेश्वरी नहीं आई है ना? अभी नहीं आई। नहीं, नहीं। अमन सूरज सूरज बताओ कोई दिक्कत है? सूरज सूरज प्रजापति बोल ही नहीं रहे ऐसे मार्क कैसे बोल आवा आवा। यस सर समझी। पहले ये बताओ ये समझी yes. क्यों क्यों बाइंडिंग क्यों बनाए? बाइंडिंग क्यों बनाए? अरे भैया पंखा में देखिए अभी पंखा को कभी खोलना तो देखना ऐसे ऐसे बाइंडिंग की रहती है, ऐसे ऐसे बाइंडिंग की रहती है। जानते हो क्या है? मान लो ज्यादा तार नहीं डालते हैं, एक तार डालते तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जी, इतना बड़ा पंखा न चल पाएगा? नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, बनेगा थोड़ा सा कुछ वेबर पर मीटर स्क्वायर। उससे क्या होता है यार, एक रुपया में हमारा पेट थोड़ी ना भरने वाला। आज हमको ज्यादा से ज्यादा रुपये चाहिए अपना सर्वाइव करने के लिए। पंखे में भी वही चीजें हैं, पंखे को चलाना है तो ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ज्यादा ज्यादा वायर चाहिए और करंट समझे नहीं समझे। अब उसके बाद करें तो हमें क्या कर रहे हैं, हम अभी तक उनको ये सोचना चाह रहे थे कि बाइंडिंग हम क्यों बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों हम लगता था स्वाद काम को नहीं किया। यही रीजन था कि हम देखो अगर 50 तार लगाते हैं, ऐसे ऐसे 50 तार लगाते हैं तो भी दिक्कत है, सिंगल सिंगल जब तार लगा रही तो भी दिक्कत है। दूसरी बात अगर किसी वायर को हम कई जगह घुमा दें क्योंकि हमको पूरी जगह के मैग्नेटिक फील्ड बना, अगर हम उसी को कई जगह जैसे देखो कहीं का मतलब है तो हमें मतलब है कि अगर हम उसको ऐसे 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 पेड़ करते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ करते हैं तो भी वही काम कर रहे हैं। आप इसी को ऐसे करना है जैसे देखो खाली है तो भी वही काम कर रहे हैं, दोनों काम में चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक काम में ऐसे ऐसे उठा उठा के कर रहे हैं टाइम लग रहा है और एक काम में उसी तरह हसी भी है तो टाइम नहीं लग रहा और उससे ज्यादा चौड़ा बना दिए उसे सुंदर बनाते हैं। तो यही रीजन है कि ऐसे ऐसे बाइंडिंग बनाया गया ताकि एक तय करंट से काम हो जाए। मान लो हम कई वायर से बाइंडिंग बनाते हैं, कई वायर से हमको इसमें करंट पास करना पड़ता है, इसमें करंट पास करना पड़ता है, इसमें करंट पास करना पड़ता है, जबकि हम एक तय बाइंडिंग से एक बार बाइंड होता है सारा का सारा काम हो गया। यही रीजन है जो हमने क्या किया कुंडली बना दिया यानी कि बाइंडिंग बना दी। तो अब समझ में आया बाइंडिंग क्यों बनाया गया, किसी को डाउट है बाइंडिंग क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा किया जाता है? हर फिगर में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो या इलेक्ट्रिकल पढ़ो या मशीन पढ़ो, हर जगह ऐसा क्यों बनाया जाता है? फिर बाइंडिंग आएगा। यही रीजन है कि बाइंडिंग के बनाने से एक फायदा होता है, एक बार करंट दे देंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग करंट फील्ड बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फील्ड दोनों बना लेगा, अपना काम करेगा। ठीक, तो सबके दिमाग में ये हो जाना चाहिए आपका सेटअप होना चाहिए कि बाइंडिंग बनाने की एडवांटेज क्या है। वायर अलग अलग से न लगा के या सिंगल वायर न लगा के बाइंडिंग क्यों बनाया गया ये हम बता देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे और डेवलपमेंट में जाते हैं। हमने क्या किया, एक बाइंडिंग को ऐसे लगा दिया और डेवलपमेंट में अभी डायरेक्टर मीटर का डायरेक्शन जो हमको बनाना था, डायरेक्टर मीटर ऐसे न्यूट्रल का यानी कि जीरो पे था, जीरो पे था, हमने इस तरह से काम किया। अब हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट लेकर आया, हमको ये पता रहता है मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का कौन सा साउथ पोल है, ये हमको बता रहा था। जब हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर तो लेकर आया इसके कभी तो देखे हम कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशन किस तरह से हुआ। और एक बात याद रखना, हर चीज का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेट करके बनाया हुआ है ताकि आगे की चीजों को समझ सको, पीछे की कुछ चीजों को समझ सको। इसीलिए ये कई चीज को बार बार वो इनडायरेक्टली तुमको समझाने की कोशिश किया जाता है। तो हमें तो मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जब तुम करंट सोर्स करते हो, करंट सोर्स को ऐसे करंट सोर्स यही प्रयोग कर दिया और यही
हिसाब से जुबली भर के लिए हमने काफी पे नोट कर दिया कि जहां पे तीर का डायरेक्शन दिखाई दे रहे जहां पे करंट सोर्स में तीर का डायरेक्शन दिखाई दे रहे वही समझ जाना कि प्लस और माइनस का इंडिकेशन होता है। समझ गए, यही पूरी कहानी है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अगले कंडीशन में क्या किया गया। इसी एम फोर को डिस्क्रिप्ट करें उसकी डिग्री में खींचा गया। जब इसको लाया गया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, एम फोर प्रोड्यूस हुआ। ऐसे कंडीशन में एम फोर प्रोड्यूस हुआ था और एक करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर देखा गया कि यहाँ पे हम इसको खींच रहे हैं, इसको जब खींच रहे हैं इसके जस्ट पे तो एक साउथ पोल प्रोड्यूस होता है यहाँ पे और ये जो मैग्नेटो भी करता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यही काम यहाँ पर यही काम हम यहाँ पर साउथ पोल के लिए एक साउथ पोल के लिए तो फिर यहाँ से हमारे साउथ कॉन्टिनेंट का और नॉर्थ का डायरेक्शन उधर का और उधर और यही काम हमने ठीक क्या कर दिया इसमें कर दिया। अब हमारे पोल का डायरेक्शन क्या है, यह पूरी कहानी थी। इससे हमको पता चल जाता है कि अगर किसी बाउंड्री के करीब लाते हैं तो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है उस बाइंडिंग में और यही सारी प्रक्रिया को लेकर प्लस माइनस का इंडिकेशन बनाया गया और यही प्रक्रिया लेकर क्या किया गया, करंट का अवधारणा लिखा गया। ठीक है जी। अभी किसी को डाउट अमन को सुन गया नहीं सर, थोड़ा सर। हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझना नहीं था। अब ये बस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको क्या है कि इसका हम पीडीएफ भेज दिए हैं, इसको हम लिखवाएंगे नहीं क्योंकि अब समय ज्यादा रहने नहीं है। ठीक है, तो इसको बता दे कैसे लिखना है। अगर मान लो पहला पॉइंट लिखना है तो लिखोगे, कहोगे एक बाइंडिंग में या कहोगे एक वायर में एक आयरन रॉड के करीब जब लाते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट प्रोड्यूस होता है, कुछ फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होता है और उसके हिसाब से बाइंडिंग में या तार में करंट फ्लो होने लगती है और मैग्नेट रॉड में एन पोल तथा उसके जस्ट अपोजिट तार में एन पोल प्रोड्यूस होता है जैसा कि चित्र 1A में दिखाया गया है। अब यही चीजें चित्र बी के लिए लिखोगे, जब हम मैग्नेट को तार के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो तार के फ्रंट पे क्या होता है, साउथ पोल और साउथ पोल प्रोड्यूस होता है तथा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक ऐसे करके बना के जैसा कि चित्र बी में 1B में दर्शाया गया है ऐसे बना उनको लिखना। समझ गए। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, दूसरा है। अभी देखो इसमें बैटरी नहीं लगाया गया, अभी इसमें बैटरी नहीं लगाया है, तब का ये प्रोसीजर है। इसमें नीचे कम से कम 10 लाइन छोड़ दोगे लिखने के लिए, 10 लाइन छोड़ दो लिखने के लिए। लिखोगे, नहीं लिख पाओगे तो हमसे बताओगे, हम पीडीएफ भेज देंगे कैसे लिखना है। लिखोगे नहीं लिख पाओगे तो हमसे बताना, हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है ना जी। अब यस सर, लिख लोगी? यस सर। नहीं लिख पाओगी तो बताओगी, बताएंगे। ठीक है ना, या पीडीएफ भेज देंगे। वैसे हम कल पीडीएफ 4-5 डाल दिए हैं ग्रुप में, 2-3 यूनिट का बहुत सारा डाल दिए हैं। एसी का तो पीडीएफ से मत पढ़ाना, एसी जो हम पढ़ाए बाबू आंख मुंह के खोल के पी जाना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एसी हम कुछ ज्यादा ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो एसी हम जो पढ़ाएंगे आंख मुंह खोल पड़ेगा, उसका तो पीडीएफ नहीं मिलेगा। ऐसे हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से लिखवाएंगे, वही बहुत है। ठीक है, अब देखो दूसरा लिखो, 10 लाइन छोड़ के दूसरा लिखो। दूसरा, जब बैटरी कनेक्ट रहेगा तब, जब बैटरी कनेक्ट रहेगा तब, दूसरा इंडक्शन देखा गया जब बैटरी कनेक्ट किया गया, तब का फिगर बना।
Oke ji, mana ada? बारिश हो रही है क्या? हेलो, लिंक भेज दियो ना। हाँ सर, बारिश हो रहा है। अब तो आप समझ नहीं पाएंगे कि थराडे का क्योंकि भाई देखो थराडे ना आज थराडे ना एक ऐसा चीज है जो हर जगह है मशीन में इंडक्शन मशीन में और ट्रांसफार्मर में हर जगह ऐसा कहीं नहीं है जहां फैराडे लॉ का प्रयोग न किया जाए। ट्रांसफार्मर एसी डीसी सब में ये जोड़ा जा सकते हैं इधर के वो फैराडे लॉ हो गया। बन जाए तो बताओ ये दूसरा सिमिलरिटी लगा दिया है यार पहला का प्रैक्टिस लेके आया क्या था तो अब जब प्रैक्टिस का हाथ लेके आया तब क्या हो काजल यस सर मुझे क्लास का मेरे तो जब तीन कॉल लोगे मुझे मेरे सामने आने दो ठीक है हाँ सर हो गया। चलो देखो इसमें क्या है? देखो क्या जब पहले बात हुई हमने तुमको बार बार बताया था बार बार बताया था एक बार ध्यान दो भाई बार बार कि जहां इस तरह से पीछे जहां इस तरह से दिखे इसका मतलब यह है कि बैटरी है पहली बार दूसरी बार हमने ये बता रखा है कि जहां बड़ा सिरा दिखे जो बड़ा वाला सिरा है उसको प्लस कहोगे जो छोटा वाला सिरा है उसको माइनस कहोगे ये भी हम बता चुके हैं बताए कि नहीं बताए। तीसरी बात दिमाग में ये रखना है कि करंट कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है तो जब ये बताओ ये बड़ा है तो यही रहा इसीलिए करंट हर वक्त यहाँ से जाती है और इंटर हर वक्त यहाँ जाती है क्योंकि ये प्लस को दिखाने का इंडक्शंस ये होता है कि हायर पोटेंशियल माइनस को दिखाने का इंडक्शंस ये होता है कि लोअर पोटेंशियल समझ गए। प्लस का माइनस कभी भी चीज ये होता है कि ज्यादा है माइनस का मतलब होता है कि ये कम है माइनस किसी को दिखाने का मतलब यह है कि वो घाटे में चल रहा है प्लस दिखाने का मतलब होता है कि वो फायदे में चल रहा है। आप बोलो पढ़ा रहे हो क्लास में
अभी कर रहे हैं ठीक है, बोलो ये बात समझेंगे। तो अगर हम ये जब बात उनको बता रहे हैं कि प्लस सही मायने में करंट निकलता है, एक्चुअल होता क्या निकलता तो करंट नहीं है, निकलता तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी होती है माइनस होती है, तो इसीलिए तो ये माइनस बोला जाता है। और माइनस का मतलब अभी बताए हैं कि छोटा चीज, माइनस का मतलब होता है घाटा, अन्य चीज है उनको घाटा ही करेगा, लेकिन यहाँ करंट यहाँ क्या होता है जो निगेटिव होता है, यानी कि जिसको तो ट्रांस होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है। हम उनको बार बार बता रहे हैं कि पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छा चीज, निगेटिव का मतलब होता है बुरा चीज, लेकिन बाबू पूरा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन चलाता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन चलाता है, तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात हुई, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन सब हमको मारता है तो मारता है, खत्म कर देता है वही इलेक्ट्रॉन। तो इन द सेंस अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए, डायरेक्टली ना देखा जाए इनडायरेक्टली देखा जाए, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए माइनस ही काम कर रहा है, प्लस का काम नहीं कर रहा है। प्लस का काम कैसे कर रहा है कि हमको बिजली दे रहा है, हम बड़े आसानी से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वही बिजली हमको मार दे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो कुल लेने के बाद अपना है कि माइनस हर वक्त इलेक्ट्रॉन्स माइनस ना कर, और उनको बार बार बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज की डायरेक्शन होती है या जो करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत होती है। तो भैया एक बात तो फिक्स हो गई कि करंट यही से निकलेगी, चाहे कोई कंडीशन लगा दो करंट यही से निकलेगी, चाहे कोई कंडीशन लगा दो, क्योंकि यही वस्तु है, यही बात आ रही है बता रहे, तो माइनस करंट निकलेगी, करंट हर वक्त प्लस निकलेगी, यहाँ माइनस करंट यहाँ करंट किसी भी डायरेक्शन से धोखा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ
कि वो उसको प्रोड्यूस कर रहा था तो वो उसी कॉकरोच को, वो उसको प्रोड्यूस कर रहा था वो उसी कॉकरोच को, वो समझा कि चलो भाई हम पढ़ लिख रहे हैं, अभी पढ़ लिख रहे कि हमारे और इसको पूछ देगा हम लोग शादी के बाद हुआ क्या कि जब वो प्रोड्यूस हो गई वो अपने आप को जब स्टेबल कर ली तो वही उसको रिमूव कर दी। इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिशन हो गई। यहाँ भी वही है, पूरे फैराडे लॉ में एक बात समझना है, फैराडे लॉ सिर्फ यही कहे थे कि भैया अगर किसी वायर में करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज गए ये किधर बन जाएंगे, बना किधर बना है, इधर बनाएंगे ये, यस सर बना है। चलो देखो ये कह रहा है मान लो कि वायर, इस वायर में करंट प्रोड्यूस नहीं, इस वाइंडिंग में वायर और वाइंडिंग को वायर और वाइंडिंग इस वायर में करंट प्रोड्यूस नहीं, तो करंट जब तुम भेजे तो इसमें क्या है, करंट को अप डाउन कराते हैं, अप डाउन का मतलब कम बेसिक है, अगर हम कम बेसिक करेंगे तो एक होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स के बारे में बता चुके हैं, फ्लक्स के बारे में बता चुके हैं कि किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रही है उसी को फ्लक्स करते हैं। अब सुनो, अब करंट जब आएगा, अब हम ये भी बता रहे थे कि अभी तक तुम पढ़ रहे थे करंट को अलग पड़े फ्लक्स को अलग पड़े, लेकिन अब आ गया है वक्त, आ गया है समय, आ गया है कि दोनों को मिक्स करके पढ़े, अब वक्त आ गया है कि दोनों को मिक्स किया जाए। यानी कि जैसे ही, जैसे पहले आता है क्यों, क्यों को हम प्रोवाइड करते और आई जैसे ही करंट आई जैसे किसी तार को फ्लो हो जाता है तो आ जाता है फ्लक्स, आ जाता है फ्लक्स। अब पूरे सर्किट में फ्लक्स की बात ही होती है ना कि करंट की बात होती है। यानी कि कह सकते हो कि अगर किसी चीज को पढ़ना है तो फ्लक्स को जानना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स को जानना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है करंट को जानना, और करंट को जानना है तो उसके लिए हमको जरूरी होता है फ्लक्स को। अब यहाँ पर फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स के करंट अप डाउन करेंगे, कभी बढ़ा के कभी कम करेगा, ये भी बढ़ेगा घटेगा, चेंज भी करेगा, किसी को पता है फ्लक्स की दर, फ्लक्स की दर, तो यही फ्लक्स की दर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब होता है, इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो तुमको जानते हो ना कि फोर्स क्या होता है, करंट को क्या करता है, टाइम ही नहीं है कि इसको समझाए, ठीक है तुमने वहां बना लो, अगर लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे, अभी अच्छे से आगे और चलेगा फिगर बना लो, अभी बहुत उसके एक लेक्चर तुम समझाने दे देंगे फैराडे लॉ का, क्योंकि फैराडे लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैराडे लॉ, नोट कर लो। सूरज प्रजापति, सूरज कुमार प्रजापति अटेंडेंट भेजते हैं, बन गया जी, टाइम नहीं है तो बता देते, एक मिनट लास्ट मिनट अभी ये बताया नहीं है, अभी आधा अधूरा है, अभी ये कंसेप्ट आधा अधूरा है, जिसको काजल अगला क्लास मत छोड़ना।